एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज शीशा गई है, स्कूल गई है, पूरे 5 दिन बाद गई है। जैसे मैंने बताया, उसकी ना जो तबीयत वगैरह खराब हो रही थी, तो अभी तो ठीक है, बट उसका ना थोड़ा जो कफ हो जाती है ना, हाँ, तो वो हो रही है खांसने में। जैसे खांसते हैं ना, थोड़ी जो है कफ वगैरह अटकती है ना, बलगम वगैरह, तो वो हो रही है। तो आज देखते हैं, शाम को उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और तो वैसे सब सही है, बस सोते टाइम ज्यादा हो जाती है। तो आएगी ना उसको स्कूल से, तो मैं उसे काढ़ा वगैरह पिलाऊंगी। कल मैंने उसको काढ़ा वगैरह पिलाया था, तो जब रात को सोई थी ना तो ठीक थी। तो आएगी तो उसे काढ़ा पिलाऊंगी, और फिर शाम को जो है डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और पतंजलि का नहीं आता, हाँ, वो वाला लेके, मतलब ला रखे हैं। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ, साथ मैंने हैंकी ले रखी है, तो मैं पहले हैंकी टक कर लू। एक हाइड हैंकी टक करूंगी और एक जो नॉर्मल यहाँ पर करूंगी, क्योंकि कृष्णा जो है गई है, आज गई है। पहले 2 दिन नहीं गई थी, फिर बीच में आ गया था, 2 अक्टूबर आ गया था, और उस दिन तो गांधी जयंती होती है तो छुट्टी थी। फिर अगले दिन संडे था, फिर मंडे को वैसे ही नहीं गई, 2, 3, 4, 5 दिन। तो 5 दिन बाद आज जा रही है स्कूल। अभी भी हो रहा है, बट मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा बच्चों के साथ ना इधर उधर रहते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान भटक जाता है। तो ये इस साइड में कर दी है, और ये हाइड वाली। तो यहाँ पर साथ में ही पहले हैंकी टक हो गई है। मैंने कहा इससे पहले भूल जाऊं, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है ना, कोई कोई वीडियो में आ जाती है, तो इससे पहले भूल जाए तो इससे पहले कर ही देती हूँ। और अभी मैं करूंगी जो है ना, जैसे छोटे मोटे काम रह जाते हैं ना, जब या तो कभी जल्दी हो जाता है तो पहले कर देती हूँ, कभी लेट हो जाता है, जैसे जो टेबल वगैरह है उसको साफ करना, ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ करना, तो ये ना रह जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में ना। और ये वैसे भी अगर बाद वाले काम होते हैं, जब भी बीच में कभी टाइम मिले तो मैं कर लेती हूँ। और मैंने वैसे भी ना दो या तीन दिन से मैंने साफ नहीं करे, टाइम ही नहीं लग रहा था, उसकी भी तबीयत खराब, फिर कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो इस चक्कर में ना रह जाती थी। तो चलिए पहले मैं जो फटाफट जो छोटे मोटे काम है वो फटाफट निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे प्रेस वाले भैया भी आ गए थे, तो ये ना साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दी थी, तो ये भी हो गई है, क्योंकि नई साड़ी है ना तो खराब वराब ना हो जाए, तो मैंने इसलिए ड्राई क्लीन के लिए दे दी थी। तो अभी तो ऐसे ऐसी हुई है फिलहाल। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ टेबल साफ कर रही हूँ। और ये ना कोलिन मैं, क्योंकि ख़त्म होने वाला ना, तो निकल नहीं रहा, स्प्रे से निकल नहीं रहा था, तो मैं उसको थोड़ा ठीक से वो कर रही थी। और जैसे ये टेबल साफ़ करना है, ड्रेसिंग टेबल साफ़ वगैरह करना, मोस्टली जो मैं है नहाने वाने के बाद ही करती हूँ, कभी कभार एक दिन छूट जाता है, बट इस बार थोड़ा सा दो या तीन दिन छूट गया, तो मैं कर नहीं पाई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जब अगर टाइम मिल जाता है तो मैं नहाने से जो है पहले भी कर लेती हूँ, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं फिर नहाने के बाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे काम होते हैं ना, अगर इसको नहाने वहाने के बाद भी करो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई डस्टिंग वगैरह तो ऐसा बैठा नहीं होता, तो इसलिए मैं जब तो कृष्णा जाती है स्कूल जाती है, तो मैंने कहा जब जाएगी स्कूल चली जाएगी तब मैं करती हूँ ये काम, नहीं तो फिर वो बीच बीच में ना ये कोलिन लेती रहती है, कभी इधर आती कभी उधर आती है। कर लेती हूँ ये कृष्णा ने ना यहाँ पर ये चौक चौक लगा दिया।
लिया है, पानी पी लेती हूँ पहले, पानी की प्यास लग गई। और अब जो है ये ना घी मंगवाया था, घी डाल लेती हूँ। वैसे घी मंगवाते नहीं है, घर पे ही बना लेती हूँ मैं, क्योंकि अब जो है ना थोड़े त्योहार वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसलिए चाहिए होता है। और इसमें ये है नमकीन से वही बनाई थी ग्रीषा के लिए थोड़ी सी, तो थोड़ी सी बच गई है, तो इसको मैं बाद में खाऊंगी। वैसी तो है, सब्जी भी है और रोटी भी हुई, बनी हुई है। देखती हूँ जो मन करेगा वो खा लूंगी, तो पहले मैं घी डाल लेती हूँ। ये थोड़ा तो निकाल ही लेते हैं, और इतना जो है ये मंगा लिया था। ये टमाटर ना धो के रख दिए थे, थोड़े ना निखर जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़े से जो बर्तन है मैं साथ ही साथ ना थोड़े थोड़े होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, कटोरी ग्लास वगैरह चम्मच इस तरीके से थे, तो मैंने कहा हाथों हाथ धो लेती हूँ। और ये देखिए जो साड़ी है हल्की सी जो पीछे यहाँ पर लटक गई थी, कभी कभार ऐसी होता है कि ऐसी यहीं पर लटक जाती है हैंडल में और मुझे पता ही नहीं चलता। तो अभी थोड़ा ना बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। वो कीशा आएगी तो उसके लिए काढ़ा बनाऊंगी, फिर वो बनाऊंगी कीशे के लिए ना बेसन और आटे का वो हलवा सा बनाऊंगी। तो मम्मी ने मेरे फोन किया था ना, कहा थोड़ा सही रहता है, तो इसलिए मैंने कहा वो भी बना दूंगी। पहले उसे काढ़ा पिलाऊंगी आते ही, उसने कल भी पिया था ना तो उसको अच्छा लगा था, तो थोड़ी वो मतलब ठीक था। रात को जब सोते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा ज्यादा बच्चों को ना खांसी होती रहती है। तो चलिए थोड़ा सा ना मैं बैठ जाती हूँ। तो अब मैं जो है थोड़ा देर ऐसी बैठ गई हूँ, और मैंने साथ में जो है टैब भी ले लिया है। मैंने कहा थोड़ा देर ऐसे बैठना भी हो जाएगा, और टैब में ऐसी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है स्टडी वगैरह का देख लेती हूँ, कभी वीडियो देख लेती हूँ, कभी जैसे टाइम मिलता है तो स्टडी वगैरह का कुछ टैब में देखना होता है तो उससे रिलेटेड देख लेती हूँ। तो हस्बैंड तो गए हैं, क्रीशा को लेने गए हैं, तो मैं ना काढ़ा रख देती हूँ, क्योंकि काढ़ा जो है फिर उबलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी में बना रही हूँ। तो पानी डाल दिया है, और ये है पतंजलि का काढ़ा, ये वाला। स्लो पे कर दिया है, जब तक आएगी कपड़े वगैरह चेंज करेगी थोड़ा बैठेगी, तब तक जो है काढ़ा उबल के बन जाएगा, और थोड़ा मैं पी लूंगी और थोड़ा वो पी लेगी। जब ये बन जाएगा ना उसके बाद डालूंगी शायद, जब इसको ग्लास में निकाल दूंगी कप में। ये साड़ी भी रख देती हूँ, मैंने सोचा अब ये जो साड़ी है ये भी रख ही देती हूँ, मुझे एकदम से याद आ गया था कि हाथों हाथ रख देती हूँ जब तक जो है काढ़ा वगैरह उबल रहा है, तो नहीं तो ये इधर उधर ही फिर रहती है। तो अब इसको भी मैं टांग देती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी जो साड़ी है वो मैंने सेट करके रखी है एकदम, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस के अकॉर्डिंग करी है। तो यहाँ पर ये क्रीशा भी आ चुकी है, और ये देखिए अपनी जो बोतल है ये पानी पी रही है, उसे पीते पीते ही आ रही है। वेरी गुड, खोलो बाबू। मैं कुदर में खोल रही, कह रही ना ना मत खोल तू, वेरी गुड, खोलने भी नहीं दे रही है। खोल 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 खोलो, वेरी गुड। खाना खाया बाबू? आपसे नहीं बोल रहे तुम,
वेरी गुड वेरी गुड, हाँ करो करो, वेरी गुड वेरी गुड, करो करो करो, अपने आप ही खोलना, खुल भी नहीं रहे हैं। तो ये काढ़ा बन चुका है, अभी तो ये एक ही में बना लिया है, इसमें शहद डाल के ना मिक्स कर दूंगी, फिर थोड़ा ना अलग अलग करूंगी, एक को ग्लास में डालूंगी थोड़ा। तो अब मैं जो है ये काढ़े में शहद डाल रही हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं डालती मगर ठीक ठाक डालती हूँ, क्योंकि क्रीशा को पीना होता है ना फिर एकदम काढ़ा, वो ऐसा लगता है ना थोड़ा कड़वा कड़वा, फिर वो पीती नहीं है, और मेरे से शहद मांग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा शहद भी चटवाया। तो ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिया, अब देख इसमें से किसी, कभी इसको इसमें पीना होता है, कभी इसमें इसको ये ग्लास में पीना होता है। तो अब मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर काढ़ा दे रही हूँ, अब इसको ग्लास में पीना है, कभी इसको कप में चाहिए होता है, कभी इसको ग्लास में चाहिए होता है, वो ये ना बच्चों का पता नहीं होता उनको कब किस में क्या करना होता है। और थोड़ा सा गर्म हो रहा था, ज़्यादा नहीं हल्का सा, तो और मैं उसको वही थोड़ा सा ठंडा करके दे रही थी, एकदम पूरा ठंडा नहीं, क्योंकि फिर काढ़ा पीने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये देखो थोड़ा सा भी एकदम गर्म होता है ना तो कहती है गर्म, तो मैंने कहा नहीं हो रहा, क्योंकि एकदम ठंडा भी हो जाएगा फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इतना हो रहा था कि हाँ कि पी सके बच्चा। तो अब इस नोज़ी वगैरह निकल रही थी, तो ये बोलती है ना शायद से कि नोज़ी निकल रही है, तो फिर इतनी भी नहीं निकल रही थी मगर फिर भी करना पड़ता है जैसे वो कहती है। ये कुछ भी पीती है, पहले ये देखिए इसने बोला मम्मम बोलती है, फिर कहती है मम्मम तो लाओ। मैंने काढ़ा पी लिया है और कृष्णा ने भी पी लिया है, तो अभी मैं यहाँ पर ना सेब और ये खीरा काट रही हूँ, अपने लिए नहीं काट रही हूँ, ये हस्बैंड के लिए काट रही हूँ, मैं भी खा लेती बट अभी मैंने ना काढ़ा पी रखा है, और सुबह तो मैंने एक सेब खा ही लेती हूँ मैं वैसे ही कभी कभार, सब वॉश वगैरह अच्छी तरीके से कर लिए हैं। तो अब मैं बना रही हूँ आटा और बेसन का हलवा, थोड़ा सा बना रही हूँ, मेन तो कृष्णा के लिए बना रही हूँ, खा ले नहीं तो फिर मुझे ही खाना पड़ता है। यह घी डाल दिया ना, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो यहाँ पर जो मैंने है आटा और बेसन दोनों डाल दिया है, और अब इसको एकदम ब्राउन नहीं करना, भूनना है, थोड़ी सी जो फ्रेगनेंस आती है तो वो आ जाए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, ठंडा पानी डाल रही हूँ मैं, फिर गुठलियाँ पड़ जाती हैं बट मैं उसको ना थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डालकर ऐसे मतलब मसल रही हूँ इसी से कि गुठलियाँ जो है थोड़ी बैठ जाएँ। पहले तो देखिए ज़्यादा थी गुठलियाँ, मगर थोड़ा थोड़ा मैं हिलाती रही और जो गुठलियों को ऐसे दबा दबा के करती रही तो गुठलियाँ थोड़ी कम हो गई थी, हो ही जा रही थी, गर्म डालो तब भी हो जाती है, गर्म डालने में तो और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम जो है ठंडा पानी डालते हैं। तो देखिए अब थोड़ी सी देखिए कम हो गई है, यहाँ पर गुठलियाँ कम हो गई हैं, और फिर बाद में जैसे खाना खाया थोड़ी सी लग रही थी मुँह में बट जो है खाने में अच्छा टेस्ट हो रहा था, मेन तो जो है उसको अच्छी तरीके से जो है भूनना था। तो यहाँ पर जो है बन के हो गया है, रेडी हो गया है, तो मैं कटोरी में निकाल रही थी थोड़ा सा कृष्णा के लिए, गर्म हो रहा था ना तो मैंने कहा निकाल के थोड़ा सा रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसको जो है कृष्णा को खिलाऊंगी। कटोरी मैंने निकाल के रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाए ना उसके बाद खिलाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कृष्णा को खिलाने, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इतना नहीं मतलब ठीक ठीक हो गया था,
और मैं थोड़ा वो कर रही थी कि ये खाएगी नहीं खाएगी, तो थोड़ा मुझे लग रहा था तो इसने खा लिया। पहले तो ये भी ऐसे खा रही थी ना, इसको फर्स्ट टाइम खा रही है तो इसको पता नहीं लग रहा था क्या खिला दिया। फिर इसको अच्छा लगा तो इसने जो है खा लिया था, और मैंने कहा टैब देख रही है तो टैब देखते देखते तो मैं इसको खिला देती हूँ। इसको कोई भी चीज़ खिलाओ, कुछ भी कराओ, मम्मा मम्मा पहले बोलती है, तो फिर मैं इसको थोड़ा वो करती हूँ कि हाँ अभी दे रही हूँ अभी दे रही हूँ। देखिए पहले मना कर रही थी, फिर मैंने दोबारा खिलाया, अब मैं इसके लिए दोबारा लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कहा खाए ना खाए कहीं वेस्ट वगैरह ना करे, तो इसलिए मैं अब दोबारा लेकर आ गई। और ये देखिए मैं भी थोड़ा सा ऐसे खा रही थी, मैंने थोड़ा सा चख तो लिया था, अच्छा हो रहा था। और ये देखिए बस इसने यहाँ पर जो है जितना मुझे खिलाना था इतने फिनिश कर लिया था। तो प्रीशा ने जो हलवा बनाया था वो खा लिया है, और मुझे लग रहा था पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। मैं सोचा टैब देख रही है तो टैब देखते देखते जितना हो सके खिला दो, उतना ही खिलाती हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं खिलाती, लिमिट का ही खिलाती हूँ जितना वो खा सके। और मैंने भी खा लिया है, और अभी जो है अपने लिए सब्जी तो है और रोटी वगैरह हम थोड़ी देर में बनाएंगे। मतलब अभी हस्बैंड कह रहे मैं 3:30 या 4:15 बजे के करीब खाऊंगा, और तो तभी मैं भी अपने लिए बना लूंगी, क्योंकि मैंने भी अभी काढ़ा पी लिया और सेवैया भी खा ली मैंने, और फिर ये सूजी का हलवा भी खा लिया, तो मुझे भी अभी इतनी भूख नहीं लग रही है, तो मैं भी 3:30 4 बजे के करीब बनाऊंगी। 2-3 रोटी तो पड़ी हुई है, बट हस्बैंड के लिए भी बनानी है ना, तो 3-4 जो भी एक्स्ट्रा रोटी है वो बना लूंगी। और तो चलिए इसी के साथ मैं भी करती हूँ व्लॉग का यहीं पर एंड, और आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।